में एक ब्रह्मा जी के दाएं अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से ये सतरूपा देवी सृष्टि होते हैं। फिर मनु और सतरूपा की सृष्टि में ही हम लोग सारे के सारे जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे सबके सब सृष्टि होते हैं, इसलिए हमको कहा जाता है मनु महाराज जी के सृष्टि, मनु महाराज जी के से ही उत्पन्न होने के कारण हमें मानव कहा जाता है। फिर इनके पांच पुत्र है, अभी जिस प्रकार गुरुदेव बता रहे थे, बोल रहे हैं दो पुत्र है और तीन पुत्री। तीन पुत्री कौन कौन? आकुति, देवभूति और प्रसूति। ये देवभूति माता का चरित्र हम प्रभु जी का भी श्रवण कर रहे थे। और फिर इनके पुत्र वंश का चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी पाद, इनके दो पुत्र उत्तान पाद और प्रियव्रत। फिर चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय में ये ध्रुव महाराज जी के चरित्र यानी ये उत्तान पाद का वंश का चरित्र को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उत्तान पाद एक बड़े सुंदर राजा थे और सर्वश्रेष्ठ एक छत्र सम्राट थे और उनके सामने ऐसा कोई नहीं, धर्मज्ञ थे और उनके दो पत्नी थे सुरुचि और सुनीति। सुरुचि माता से उत्पन्न हुए ये कौन नाम उत्तम और सुनीति से उत्पन्न हुए ध्रुव महाराज। तो बोल रहे हैं कि उत्तानपाद कौन है, उत्तानपाद कौन है, बता रहे हैं उत्तानपाद हम लोग ही हैं। फिर हमारा दो दो पत्नी है, बोलोगे आप तो हमारा तो एक ही पत्नी है, आप बता रहे हो दो पत्नी, कैसे गड़बड़ी बात, बोल रहे नहीं। किस प्रकार कि इसमें बता रहे हैं कि उत्तानपाद जिसका हमारा जागृति, हम कैसे देखते हैं हमारा सर कहाँ है, ऊपर है और पैर नीचे है, लेकिन उत्तान पाद मतलब जिसका पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, बोलने की हम सब उत्तान पाद है। कैसे? ना मातृ गर्भ में हम कैसे रहते हैं, पैदा होते समय कैसे होता है, सर नीचे और पैर ऊपर रहते, तो मातृ गर्भ में हम तब से जो सृष्टि होते हैं तब ये ऐसे ही रहते हैं। बोले इसका दो पत्नी है, मनुष्य का दो पत्नी है, क्या ना सुरुचि और सुनीति। सुनीति यानी सुष्टुर नीति ही जस्य सा, यानी जो अपने जीवन में अच्छे अच्छे नीति, अच्छे अच्छे शास्त्र में जो जो विधि बताया गया है, जो जो करने के लिए बोला गया है उसको करते हैं और जो नहीं करने के लिए बोला गया है उसको नहीं करते हैं, जो विधि और निषेध को पालन करते हैं वो है सुनीति। सुनीति का अपने आने से क्या होगा जीवन में, ध्रुव महाराज जी जन्म होंगे। ध्रुव महाराज जी कौन है? ध्रुव, ध्रुव यानी सत्य, ध्रुव यानी निश्चल, ध्रुव यानी भगवान। अगर सुनीति को अगर जीवन में अपनाओगे, शास्त्र के नीति को अगर पालन करोगे तो जीवन में भगवान उत्पन्न होंगे, जीवन हंसी खुशी से सदा सर्वदा आनंदमय होगा। लेकिन सुरुचि के अर्थात क्या है, न स्वच्छ रुचि जस्य हि सुरुचि, अपने ही रुचि, अपने ही वो दिवस खाना पीना सोना, अपने इंद्रिय दर्पण आदि करना। तो बता रहे इसको जो अपनाते हैं उसके क्या उत्पन्न होते हैं, ना उत्तम, उत्तम यानी उर्गत तमह जस्य, इस तमोगुण का सर्वश्रेष्ठ। अभी हम आगे इस कथा को श्रवण करेंगे। तो बता रहे हैं कि जीवन में हर समय हमें सुनीति को ही अपनाना चाहिए। तो ये उत्तानपाद एक सत्र सम्राट थे, लेकिन ये अपने पत्नी के सुरुचि को जीवन में अपनाया, सुनीति को कभी पूछा ही नहीं, सुनीति को कभी अपनाया नहीं। तो एक समय क्या हुआ, ये ध्रुव महाराज खेल रहे थे और उसी समय देखा कि पिता की गोद में ये अपने दूसरे भाई उत्तम बड़े सुंदर रूप में खेल रहे। अब ध्रुव महाराज जी की इच्छा हुआ पिता की गोद में खेलने का, तो ध्रुव महाराज दौड़े हुए पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं पिताजी आप मुझे भी गोद में ले जाओ। लेकिन वहां पे उत्तानपाद का तो इच्छा है कि ध्रुव महाराज जी को गोद में उठा ले, लेकिन वहां पे दूर खड़ी कौन है, ये सुरुचि। यद्यपि एक छत्र सम्राट है फिर भी ये पत्नी के सामने कुछ भी नहीं, पत्नी को देखते ही ये डर रहे हैं कि अगर उठा लो तो कुछ बोल नहीं। यहाँ पे ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि हे पिता मेरे ऊपर भी आपका कोई कर्तव्य है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप उत्तम को उठा के रख दो और मुझे गोद में ले लो, उसको भी लो मुझे भी लो, हम दोनों आपके पुत्र हैं, मैं भी आपके वात्सल्य प्रेम का पूरा पूरा अधिकार हूँ। तब उसी समय वहां पे सुरुचि माता खड़ी थी और सुरुचि माता दौड़ते हुए वहां पे आके ये ध्रुव महाराज को बोल रही है, क्या बोल रही है कि ध्रुव तुम निश्चित रूप में ये उत्तानपाद का पुत्र हो सकते हो, लेकिन तुम राज्य में बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया,
तुमने मेरे गर्भ से नहीं जन्म लिया, इसीलिए आराध्यम भगवान पुरुषम परम। तुम क्या करो ना, वन में चले जाओ और भगवान का भजन करो, और जैसे ही भगवान प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने तो उनको मांग लेना कि मुझे तुलसी माता के गर्भ में पुनर्जन्म दे दो, और जैसे ही जन्म ले लेना मेरे गर्भ के लिए भगवान को कामना करना, और भगवान वरदान दे देंगे। तब तुम क्या करना, मेरे गर्भ में आके जन्म हो गए, तभी जाके तुम ये उत्तानपाद के गोद में बैठ सकते हो। तब यहाँ पे ध्रुव महाराज जी को इतना क्रोध आया, क्यों क्रोध आया बता रहे हैं, ब्राह्मण सम्मान प्रिय होते हैं लेकिन ये जो क्षेत्रिय हो ना, क्षेत्रिय अपमान सहन नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक सांप को मार देने से जिस प्रकार फुत्कार करते हैं, जिस प्रकार क्रोधित हो जाते हैं, उसी प्रकार मानो यहाँ ध्रुव महाराज क्षत्रिय वंश में जन्म हुए हैं, उनको कोई छेड़ दिया और वो बड़े जोर जोर से श्वास लेते लेते अंतपुर में चले गए, और वहाँ पे रोते रोते अपने सुनीति माता के पास चले गए। वहाँ पे सुनीति माता ने इनको देखते ही गोद में उठा लिया, बोले बेटा क्या हुआ है, ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे, जोर जोर से गुस्से में सांस ले रहे हैं और उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। और उसी समय अंतपुर के कुछ दासी ये सब बात को देखे थे, तो अंतपुर के कुछ दासी लोग बता दिए कि माता सुनीति, सुरुचि माता ने इनको ऐसा ऐसा बोला है। तब माता ने उनको पुनः उनको वात्सल्य प्रेम प्रदान करते हुए बोलते हैं कि अब पहले तो उनके आंसू को अपने आंचल में पोंछ लेती है और बोलते हैं, देख बेटा यद्यपि विमाता है, यद्यपि सुरुचि माता तुम्हारा विमाता है, फिर भी उन्होंने एक अच्छी चीज बोला, एक बुरा चीज बोला। अच्छा चीज क्या बोला ना, भगवान का भजन करने के लिए बोला, जाके वन में जाके भजन करो बोलो। लेकिन बुरा चीज क्या बोला ना, बुरा चीज ये है कि जिस भगवान को पाने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब छूट जाता है, फिर भी जिस भगवान को प्राप्त करके अगर कोई मूर्खी होगा वो जो फिर उसके गर्भ में आएगा, भगवान के महिमा के ऊपर दोषारोप है। भगवान अगर उस धाम में अगर तुम्हें ले जाएंगे जहाँ पे जाने के बाद न निवर्तन्ति, कोई भी वहां से नहीं आता, फिर भी तुम यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम मेरे गर्भ मांग लेना, कोई गर्भ मांगेगा, फिर कोई जन्म मृत्यु लेना चाहेगा, दुख कष्ट कोई लेना चाहेगा, बोले नहीं। तो बता रहे हैं कि देखो तुम्हें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो तुम वन में चले के भजन कर जाओ। अब ध्रुव महाराज बोले, माँ ये कैसे बात कर रहे हो आप, मैं 5 साल का लड़का अब वन में जाके भजन करूं, आप बताओ मैं जब रोऊंगा तो मुझे कौन आंसू पोंछ देगा, मैं जब भूख लगेगा तो मुझे कौन खिलाएगा, और मुझे वात्सल्य प्रेम कौन प्रदान करेगा। तो बता रहे हैं कि तुम अगर वन में जाके भजन करोगे, देखो किस प्रकार का नीति बता रहे हैं ये सुनीति माता। आजकल के जो माता जी होते ना तो बोल देंगे, अरे वन में जाने का कोई आवश्यक नहीं है, ले बेटा मोबाइल ले, गेम खेल लो, थोड़ी देर गेम खेल जाओगे तो शांत हो जाओगे। लेकिन किस प्रकार का शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम अगर वन में जाके भजन करोगे, ये पिता का जो वात्सल्य प्रेम उससे भी कई गुना जो परम पिता है, भगवान के गोद में बैठने की कोशिश करो और वहां तुम्हें अनंत करोड़ गुना वात्सल्य प्रेम प्राप्त होगा। तब माता जी को प्रणाम करते हुए ध्रुव महाराज जी 5 साल के आयु में वन घर से निकल रहे हैं भगवान के भजन करने के लिए। देवता देख के डर गए, इतने समय में नारद जी देखे। अब नारद जी बोले, छोटे से लड़का अब तो जाना ही नहीं, इसने दूध पीना छोड़ा नहीं, ये बोले भजन करने जा रहा है वन में। तो नारद जी प्रकट हो गए वहां पे, प्रकट होके बोल रहे ध्रुव महाराज कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव महाराज सारे वृतांत तो बोल दिया कि देखो देखो नारद जी, और मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहता था और मेरे विमाता ने मना कर दिया, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ भजन करने के लिए। तो नारद जी बोले, भाई तुम छोटे, अभी तो तुम्हारा खेल कूद करने का आयु, तुम्हारा बच्चों का 5 साल का बच्चों का क्या मान और क्या अपमान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या और क्या अपमान है, मान और अपमान तुम्हें क्या है, तुम जाओ वन में जाके अभी क्या करोगे, तुम्हारा तो अभी भजन करने का समय है, तुम्हारा तो अभी घर में जाके खेल कूद करने का समय है। तब ध्रुव महाराज बोलते हैं, हम क्षत्रिय हैं और मैं निश्चय कर लिया है कि मैं भजन करूंगा, मैं पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भजन करूंगा। तो नारद जी बोले, देखो वन में मत जाओ, शेर वाघ भालू बहुत ही खा जाएंगे। तो ध्रुव महाराज जी देखे, आप कौन हो, हमने सुना है नारद जी जिसको मिल जाते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं, लग रहा है आप नारद जी नहीं हो सकते, आप क्या उल्टा मुझे भजन से भटका रहे हो। तब नारद जी बोले, तो पक्का चेला बनेगा, ये पक्का चेला बनेगा। नारद जी बोले, देखो बिना गुरु के कभी भी इस जीव जगत से उद्धार नहीं हो सकता, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई।
जिसका रहे ना कोई, बिना गुरु के भवन संसार से कोई नहीं जा सकता। देखो भगवान कृष्ण भी आए गुरु बनाए गए, भगवान तो साक्षात जगत गुरु है, फिर भी यहाँ आके शिक्षा देते हुए गुरु बनाया। अब बताओ राम जी का गुरु कौन है? ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र ने, गुराज जी ने भी गुरु बनाया, और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु में भी इस जगत में जैसे आए उन्होंने भी ये गुरु बनाया। तो बिना गुरु का इस जगत से कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। तब नारद जी ने उनको बोले कि ये तो पक्का चेला है, इनको ही शिष्य बनाऊंगा। तो नारद जी ने उनको बताया, देखो भजन करने का विधि है, तीर्थतात् पुण्यम मधुवनम गच्छम सन्निध्याम नितराम हरे। कि हे ध्रुव, तुम अगर भजन करना चाहते हो, पुण्यम मधुवनम गच्छम, मधुवन मथुरापुरी में चले जाओ, सात पुरी में जो एक पुरी है वहां पे चले जाओ, जहाँ पे नित्यदा हरि सन्निध्या, हर समय ठाकुर जी वहां पे विराजमान रहते हैं, तुम उसी धाम में चले जाओ, उसी स्थान पे तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। बोले कैसे भजन करोगे? वहां जाके यमुना जी में स्नान करना, और स्नान करते हुए वहां पे फिर ध्यान करते हुए भगवान का वहां पे भजन करोगे तो एक ना एक दिन प्रकट होंगे। फिर वहां पे नारद जी ने दीक्षा मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान करते हुए बोलते हैं इस मंत्र का जाप करना, अब जाप करते करते भगवान को ध्यान करना। अब ध्रुव महाराज पूछ रहे हैं, आपने तो बोल दिया ध्यान करना, मैं ध्यान किस स्वरूप का करूंगा, कैसे स्वरूप का मैं ध्यान करूंगा? तब वहां पे नारद जी बोल रहे हैं, श्रीवत्स अंक हृदय में क्या होगा ना, श्रीवत्स अंक होगा, शंख चक्र गदा पद्म किरीटी कुंडल होगा, और पीतांबर वस्त्र आभूषण करते हुए उसी भगवान बनवाल धारण करते हुए उनके ध्यान करना। तब वहां पे ध्रुव महाराज जी नारद जी को प्रणाम करते हुए मथुरा चले गए। अब मथुरा में अभी भी वो स्थान है जहाँ पे ध्रुव महाराज जी भजन किए थे, उसको बोलते हैं ध्रुव टीला। वहाँ पे भगवान ध्रुव महाराज जी को दर्शन करने के लिए आए, छह महीने में वहाँ पे ध्रुव महाराज जी ने भगवान प्राप्त किया, भगवत प्राप्त हुआ था। अब वहाँ पे जाते ही यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में स्नान करते हुए ध्यान किया, ध्यान करते हुए संध्या किया, संध्या वंदन करते हुए रोचक पूरक कुंभक के द्वारा अपने सारे इंद्रियों को, सारे मन को भगवान के चरणों में लगाया, और गुरु प्रदत्त द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्र को जाप करते हुए ध्रुव महाराज जी ने वहां पे भजन शुरू कर दिया। और भजन करते करते पहले महीने में तो ध्रुव महाराज फल फूल बन के कुछ पत्ते ये सब खा के रह जाते थे। जैसे ही दूसरे महीने हुआ, ये फल खाना छोड़ दिया, केवल पत्ते पत्ते खा के रुके। तीसरे महीना में पत्ते खाना छोड़ दिया, केवल पानी पीते पी के रुके। जब चौथे महीना हुआ, पानी पीना भी छोड़ दिया। अब बताओ पानी पीना छोड़ दिया तो क्या खाएंगे? वायु को भक्षण करते हवा खा के रुके। और जैसे ही पंचम महीना हुआ, हवा खाना भी बंद कर दिया और भजन किए, तो बोल रहे हैं कि स्वर्ग का जो इंद्र का आसन, ब्रह्मलोक का आसन के टकमगा गया, और भगवान गरुड़ की पीठ के ऊपर बोल रहे हैं कि दिद्रुक्षाम अहम ध्रुवम इति, कि मैं ध्रुव महाराज जी को दर्शन देने नहीं, ये ध्रुव को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे परम भक्त है, मैं दर्शन करने जाऊंगा, ध्रुव को दर्शन देना नहीं, कि किस प्रकार मेरा भजन कर रहा है। छह महीना जैसे हो गया, साक्षात भगवान गरुड़ पे दौड़ते हुए वहां पे प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान प्रकट हो गए, बोलने की ध्रुव महाराज जी को आंख खोलो। अब ध्रुव महाराज जी आंख ही नहीं खोले, ध्यान कर रहे हैं हृदय में, उसी शंख चक्र गदा पद्म के स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं। और भगवान ने देखे, भाई आग क्यों नहीं खोल रहे? देखा कि उनके हृदय में वही शंख चक्र गदा पद्म मेरा ही स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने हृदय से अंदर ध्यान कर दिया, तो ध्रुव महाराज विचलित होकर आंख खोल गए, और आंख खोलते हुए जिस चीज को ध्यान कर रहे थे उसी चीज को सामने दर्शन किया। और भक्तवत्सल भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म के स्वरूप में बड़े सुंदर कीर्ति कुंडल धारण करते हुए नमो पद्म पलाश लेजन, उनके जो आंखें पद्म कमर के पंखुड़ी जैसा, और उनके हृदय में श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, गरुड़ के ऊपर विराजमान होके बड़े सुंदर ठाकुर जी ध्रुव महाराज जी को दर्शन दे रहे हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे ध्रुव महाराज जी को कुछ इच्छा हुआ कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन ध्रुव महाराज जी तो बस स्कूल गए ही नहीं, 5 साल के आए हो, उनको तो कुछ पता ही नहीं, गुरुकुल गए ही नहीं।
तब वहाँ पे भगवान ने अपने अमोघ अस्त्र पांचजन्य ज्ञान रूपी शंख को ध्रुव महाराज जी के कपोल पे स्पर्श कराया, और जैसे ही कपोल पे स्पर्श कराया तब ध्रुव महाराज जी ने भगवान का बड़े सुंदर सुंदर रूप में वहाँ पे स्तुतियां करते हैं। अब इतनी सुंदर स्तुति सुन के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए ध्रुव महाराज जी को बोलते हैं कि वरम प्रयाग कि वर मांगो हे ध्रुव, तुम्हारे लिए मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तब वहां पे बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज बोलेंगे हे प्रभु मैं क्या वर मांगू, कि स्थानाभिलाषे तपसे स्थितो त्वां प्राप्तवान् कि मैं तो स्थान के अभिलाष से क्या कर रहा था, मैं आपकी तपस्या कर रहा था। त्वां प्राप्तवन् हे प्रभु आप मुझे प्राप्त हो गए, कि देव मुनि जिनको देव मुनि मुनिविंद्र भी जिनको मुनिंद्र भी जिनको बड़े उनके लिए बड़े गुह्यम बड़ा गुह्य वस्तु है, देव मुनि भी जिनको प्राप्त नहीं कर पाते, मैं तो केवल राज्य सुख के लिए आपको तपस्या कर रहा था, लेकिन मुझे क्या मिल गया कि काचन विचिन्वन अपिदिव्य रत्नम। बता रहे हैं कि काचन विचिन्वन अपिदिव्य रत्नम, मुझे कहा मैंने कांच के टुकड़ा ढूंढने आया था, प्रभु मुझे कहा दिव्य रत्न मिल गया, इसलिए हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो, वरम न जाचे और मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं तो स्थान की इच्छा से आपको प्रार्थना कर रहा था, यहाँ तो पूरा का पूरा मुझे मणि मिल गया, पूरा का पूरा वो भगवान प्राप्त हो गए। तब इस प्रकार ध्रुव महाराज जी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि प्रभु अगर आप अगर कृपा करना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो, कि क्या न भक्ति प्रभवती तो प्रसन्न, कि मुझे केवल आपके इस रसिक भक्तों का संग दे दो, और जिसके संग में रह के मैं नित्य निरंतर आपके सुंदर सुंदर कथा कीर्तन श्रवण करूंगा, मुझे सत्संग प्राप्त करवा दो। देखो हमारे सामने अगर भगवान प्रकट हो जाएंगे ना, हम क्या मांगेंगे, हम सोचने लगेंगे कि क्या क्या मेरा इच्छा है इस जन्म में, और पहले क्या क्या इच्छा हम रखेंगे, पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज जी क्या मांग रहे हैं, भक्त क्या मांगते हैं, उनको किसी जागतिक वस्तु का इच्छा नहीं है, वो क्या मांग रहे हैं, मुझे तो केवल आपके भक्त की संग प्रदान करो, मुझे तो केवल साधु संग में रह के कथा कीर्तन का सुयोग प्रदान करो, इस प्रकार ध्रुव महाराज जी का वांछा है। अब भगवान वहां से ध्रुव महाराज जी को बोलना, देखो यद्यपि तुमने अभी मुझे दर्शन करके तुम्हारा भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत हो चुका है, फिर भी तुमने मुझे क्यों तपस्या किया था निष्ठान के लिए, इसलिए हे ध्रुव देखना तुम्हें निश्चित रूप में 60,000 वर्ष तक कितना 60,000 वर्ष तक इस जगत में तुम शासन करोगे, राज्य भार दे दिया ठाकुर जी ने, और बता रहे हैं कि तुम इतना इतना भजन करोगे कि तुम जिस समय यहाँ से घर जाओगे ना, तुम्हारे जो भाई है उत्तम, वो उत्तम कहीं वन में गया होगा और वन में जाते हुए वहाँ पे उसका मृत्यु हो जाएगा, और उनके वियोग में जो उत्तम की जो मैया है सुरुचि वो भी तुम्हारे विमाता उनके पुत्र को ढूंढते ढूंढते वन में चले जाएंगे और आग में जल के भस्म हो जाएंगे, तो तुम वहाँ पे 60,000 वर्ष तक वहाँ पे क्या करोगे, राज्य शासन भाग भोग करोगे, फिर अंतिम में मेरे ध्रुव गति को ध्रुव लोक हम देखते ना ऊपर में एक ध्रुव लोक है, उस ब्रह्मा की बंध्य ध्रुव लोक को तुम प्राप्त करोगे। देखो भगवान ने इस जगत का भी दे दिया और उस जगत का भी दे दिया, कितना भगवान दयालु है। तो वहाँ भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज तपस्या करके वहीं से आ रहे हैं, और भगवान भगवत प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, और उनका बड़े दिव्य तेज जैसे ही राज्य में आए उनके पिता उत्थानपाद इनको देखते ही वन में चले गए और वानप्रस्थ हो गए। और एक दिन भगवान जिस प्रकार बोले थे, इनके माता विमाता कौन ना सुरुचि माता ने और इनके पुत्र दोनों के दोनों मर गए जंगल में जाके, फिर उसके पश्चात इस सुनीति माता और ध्रुव महाराज जी ने 60,000 वर्ष तक इस जगत में शासन किया। फिर उसके पश्चात जिस समय ध्रुव महाराज जी के लिए नित्य 60,000 वर्ष के पश्चात ध्रुव महाराज जी के लिए विमान आ रहा था, उसी विमान में जैसे ही विमान में बैठने जा रहे थे तो ध्रुव महाराज जी कैसे गए, काल के सर के ऊपर पैर रखे हुए ध्रुव महाराज जी विमान में विराजमान किए, और विमान में तो विराजमान कर गए और विष्णुदूत को पूछ रहे हैं, विष्णुदूत को पूछ रहे हैं क्या कि देखो
मैं ये भजन क्यों किया, किसके प्रेरणा से भजन किया, बोले मेरे माता की प्रेरणा से। मेरे माता सुनीति ने मुझे वन में जाने दिया, और मेरे माता उस समय बोलता, नहीं नहीं बेटा तू तो अभी 5 साल का है, तू घर में रुक जा। मैं कहां वन में जाता और कहां मैं भगवान को प्राप्त करता, इसीलिए मेरे माता भी जाना चाहिए। तो विष्णुदूत हंसते हुए बोले, ध्रुव महाराज देखो, जिस कुल में भजन कर एक व्यक्ति अगर भजन करते ना, वो पूरा का पूरा उसी कुल को ही साथ लेके नित्य धाम में जाते हैं, अकेले नहीं जाते, पूरा माता पिता भाई बंधु कुटुंब को लेके जाते हैं। देखो तुम जाने से पहले तुम्हारे माता विमान में पहले से ही बैठे, तो ऊपर देखते हैं तो सुनीति माता के लिए अलग से विमान था, और सुनीति माता भी विमान में पहले से ही जा रही थी। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज जी ने नित्य धाम पे गए, और इस प्रकार ध्रुव महाराज जी के ऊपर कृपा किए। इधर नारद जी नृत्य कर रहे हैं, क्यों नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी एक जबरदस्त शिष्य मिल गया। अब गुरु प्रसन्न होंगे कि नहीं, शिष्य को अगर भगवान प्राप्त हो गए तो गुरु बड़े प्रसन्न हो गए। तो बोल रहे कि नारद जी भी नृत्य कर रहे, देवतागण उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हुए जय जयकार दे रहे। इसी प्रकार ये ध्रुव महाराज जी का चरित्र। बोल ध्रुव महाराज की जय, हरे कृष्णा। हाँ देखो माताएं ध्यान दे कर सुनो अच्छी तरह से, बढ़िया से मन लगा कर सुनो कि ध्रुव महाराज का भजन में क्या शिक्षा है। इसलिए जब ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे, वो अकेले नहीं गए, माँ पहले गए, उसको बाद में बैठा गया। इसका शिक्षा देते हैं, अगर माताएं अपना बच्चे को भजन की शिक्षा देना, बच्चा वैकुंठ जाने से पहले कौन वैकुंठ पहले जाएगा, बोलो कौन जाएगी पहले, माँ जाएगी, उसको बाद में बैठा जाएगी हैं। इसलिए भगवान नरसिंह देव खुद कहते हैं, वंश में अगर एक बेटा प्रभु का भजन कर ले, कहते कितने लाभ है, बोले कुलम पवित्रम, बोले उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं, बोले जननी कितार्था, जो पिता माता जन्म देते हैं वो पिता माता के जीवन में धन्य हो जाता है। बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरे साम, बोले जो पूर्वज लोग पहले चले गए पितृ पुरुष, वो भी हाथ उठा उठा करके नाचना लग जाते, हमारे कितने भाग्य, हमारे वंश में वैष्णव जन्म लुए हैं। कहते वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर वो जन्म ले बच्चा, वो पृथ्वी को धन्य हो जाती, इतने लाभ। लेकिन अगर बच्चे गलत रास्ता पर चले गए, जन्म दिया शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए, जुआ खेलते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, पहले उसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा। जैसे पुण्य लगे ना, पिता माता को पाप भी लेना पड़ेगा। देखो पुराण में कथा आती है, कोई एक जोगी वो पहुंचा स्वर्ग में, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरियां चामर व्यंजन कर रही थी, लेकिन वो बैठ बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। जोगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग आया, यहाँ पर भी रो रहे हो, क्या बात है। देखो क्या कहता है, बोले मैंने पैसा कमाया, दान किया, इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मैंने अपना बच्चों को भक्ति मार्ग पर नहीं चलाया, बच्चों को प्रभु का भजन नहीं करवाया, इसलिए मैं जो पैसा छोड़ करके आया था, बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे, मांस खा रहे, जुआ खेल रहे, चूंकि पैसा को मैं नहीं कमा करके आया था, मेरे पैसा को बच्चे गलत रास्ता पर लगा रहे हैं, वो पाप कर्म मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है, ये स्वर्ग में भी इसका पाप मेरे को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं, अगर बच्चे जन्म दे करके प्रभु का भजन में नहीं लगाओगे, उसका पाप भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप लोग ने सुमित्रा का नाम जानते हो, कौन कौन सुमित्रा का नाम जानते हो, बताओ तो सुमित्रा कौन थी, कौन बोलेगा बोलो, अरे बोलो सुमित्रा कौन थी, लक्ष्मण की माँ की नाम थी सुमित्रा हैं, लक्ष्मण की। जब सीताराम जा रहे थे हैं, जब सीताराम जा रहे थे वनवास में, इतने में लक्ष्मण अपना मैया को पास में आए, बोले मैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया जंगल में जा रहे हैं, सीताराम जंगल में जा रहे हैं, इसलिए मैं पिता माता की सेवा करने के लिए जाऊं। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासुसुतो होई। हिंदी समझ रहे हो, अच्छे तरह सुनो, माताएं ध्यान दे रही, विशुद्ध माताओं के लिए
कहते पुत्रवती जुवती जगसोई, उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थकता है। बोले कौन सा माँ को पुत्र जन्म देना सार्थक? बोले रघुपति भक्ति जासूसुत होई। अगर उसका बेटा अगर प्रभु राम की सेवा करता है, प्रभु राम की अगर भक्ति करता है, तभी उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थक। और दूसरे लाइन में कहती है, अगर बच्चे को तुमने प्रभु की भजन की मार्ग नहीं दिखाया, भक्ति मार्ग नहीं दिखाया, वो सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए माताओं को? अरे बोलो जोर से, कहते बांझ रहनी चाहिए। बोले क्यों, कारण क्या है? बोले एक तो 9 महीना तो गर्भ में धारण करो, प्रसव पीड़ा को सहन करो, मुंह की खाना निकाल करके बच्चे को खिलाओ, फिर वो बच्चा अगर गलत रास्ता में जाए फिर नर्क भोगो बच्चे के लिए, इतने कष्ट करोगे फिर बच्चे के लिए तो नर्क जाओगे। इसलिए वो कहती है अगर बच्चे को भजने में नहीं लगा सकते तो मना कर देती है, बच्चे जन्म मत दो। बोले सूर्य भी बच्चे जन्म दे रही है, 10-10 बार बच्चे जन्म दे रही, वो एक एक महीना में बड़ा कर दिया, तुमने 2-4 बच्चे जन्म दे कर कौन सा 3 मार दी तुमने। इसलिए सुमित्रा मना करती है, पहले बच्चे को भजने की शिक्षा दो। अभी प्रश्न बच्चा भजन कब करेगा? पहले पिता माता को देख कर सीखेगा, पहला गुरु तो पिता माता है ना। अगर पिता माता भजन करेंगे तभी तो बच्चा भजन करेगा। अगर दिन भर माता स्मार्टफोन लेकर बैठी टीवी देख रही है, हरि नाम रामायण में कोई मतलब नहीं, भक्ति में कोई मतलब नहीं, बताओ बच्चे कहाँ से सीखेंगे? पहला गुरु पिता माता है, ठीक है ना। पहले खुद भजन करो, बच्चों को भी भजन की शिक्षा दो। जिस घर में परिवार भजन करते हैं बच्चे, कहते वो घर नहीं, वो घर वृंदावन है, वही घर ही वैकुंठ धाम, वही घर ही वृंदावन, जिस घर में सबके सब भजन करते हैं, ठीक है। जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले हरि नाम संकीर्तन की जय। और 5 मिनट दो, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर जाना, हम 5 मिनट बैठ करके हरि नाम करेंगे, ठीक है। क्योंकि भागवत का जो सार है ना, वो ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी का नाम ही भागवत का सार है। हम सबके सब बैठ करके, मेरे तरफ में देखो, इधर देखो, ये माला है, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, ये कृष्ण स्वयं। एक दिन भक्तों ने उनको निमंत्रण बोले, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपको खाना भोजन है। भगवान बोले देखो सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा, ठीक है ठीक है। लखपति, लखपति मतलब आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। आज से 550 साल पहले 1-1 रुपया के सोने की मोहर होता था। बोले जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर, उसको घर में भोजन करेंगे। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हम तो जिंदगी में कभी हमारे घर में लखपति बन ही नहीं सकते, हमारे घर में 100 रुपया नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, क्या हमारे घर में भजन नहीं करोगे? भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के रे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के रे मोती मैं बिखरा गली गली। असली जो हीरेमती राम नाम हीरेमती। देखो आप लोग लखपति कैसे बनोगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन जानते हो अमिताभ बच्चन नाम? सब जानते हैं ना। उसका आता था कौन बनेगा करोड़पति, सुने टीवी में देखे नहीं? कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर ठाकुर जी कहते कौन बनेगा लखपति। आप लोगों देखो लखपति कैसे बनेगा, देखो इसे माला है, हैं? जब माला जब करोगे ना, ये अंगुल को उसमें नहीं लगाते हैं, क्यों? ये गंदा अंगुल। हम कहते ना तेरे को हम ठीक कर लेंगे, तू को दिखाएंगे, तुम मेरे को क्या समझ रखे हो। सबसे पहले कौन सा अंगुल यही निकलता है, मतलब ये गंदा अंगुल है, इसलिए इसको अहंकार का प्रतीक, इसलिए इसको बाहर निकाल करके ये बीच वाला अंगुल में रखते हैं। अब क्योंकि माला भी पकड़वाएंगे, इसलिए अच्छे तरह से देख लो कैसे माला जप करोगे। जप करके
जैसे हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सर जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दो मोती सर जाते हैं। देखो एक लाख ऐसे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 बार हो गया है। एक मोती सर का 16 बार, इसमें 108 है। जब यहाँ खत्म हो जाए, याद रखना, यहाँ जब खत्म हो जाए इसको ऐसे घुमा देना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ करना। अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना, वो हिसाब से होता है 25,000। अगर 64 माला कर लिया ना, वो 1,00,000। ये ठाकुर स्वयं कहते हैं, तुमने आज 1,00,000 नाम नहीं की, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी? मीरा कहती है, दिन दिन बढ़त सब आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम किया तो कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में ना 2,00,000। 4 दिन में कितना हो गया? मतलब इतने प्रभु का जो नाम रूपी धन, इतने तेजी से ये धन बढ़ती है, इतने तेजी से ये धन बढ़ती है। इसलिए और यही अंतिम समय में जब जाएंगे, कबीर का नाम सुनोगे, ये कबीर कहते हैं, मरने में सब जग डरे। अभी कोरोना आई थी ना, सब बंद कर दिया घर से, कोई बाहर निकल रहे थे, बंद कर दिया। क्यों? जगत में कोई भी मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक कबीर कहता है, मेरा मन आनंद, मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने पूछा, भैया सब दुनिया मरने के लिए डर, तू क्यों खुश हो रहे हो? देखो कबीर क्या कहते, कितनी बड़ी बात कहते हैं, कल कब मरिए कब भेटिए परमानंद। कहते हैं, मैं जिंदगी भर राम नाम लिया है, भगवान की कृष्ण नाम मैंने जप किया है, मेरे को पता है मेरे लिए VIP व्यवस्था होगा, क्योंकि ये धन मैंने जो जप किया है। कहते चोर नहीं लेवे लूट नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सबाए। ये ऐसे का धन है, अगर पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकते हैं, बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते हैं। जो कमाएगा वही इसी जीवन में भी आप ही इसका मालिक बनोगे, और अगली जीवन में ब्याज समेत आपको मिलेगा, इसको कोई नहीं ले सकता। यही धन ही अंतिम समय में काम में आएगा। इसलिए सबसे बड़ा धन है प्रभु का नाम रूपी धन है। इसलिए बैठ करके 5 मिनट प्रभु का नाम जप करेंगे, सब एक माला पकड़ा था सबको, ये माला लेना नहीं, मेरे को वापस देना, आपको जप करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ये समझना, हम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में बैठे हैं, ये सोच करके आंख बंद करके बैठ जाना और भगवान के नाम को लेना, देखना कितने शांति तुम्हें मिलेगा, आप देखना कितने आनंद प्रभु का नाम लेकर के मिलेगा, ठीक है ना? फटाफट दो। तो तुम क्या कर रहे हो? मेरे को वापस दे देना, माला कोई लेना नहीं, आपको जप करने के लिए दे रहा हूं। और है कि नहीं? नहीं है, ठीक। आप लोग मेरे साथ में ही करो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जिसको पास में नहीं पहुंचा ना, कोई चिंता मत करो, मेरे साथ में करो, आपको फल मिलेगा। देखो इसमें पहला शब्द हरे, ये चीज अच्छी तरह समझो, हरे मतलब होता है हरि का नाम लेने से जीवन का कितने कष्ट हर जाए, हमारी खत्म हो जाए, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब क्या देखना, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना। देखना हमारे मन कभी कभी चंचल रहते हैं, मन में कभी कभी शांति नहीं मिलती, मन बेचैन से कभी कभी रहती है, लेकिन आप कृष्ण नाम लोगे ना, आप जो बेचैन से मन को शांति मिलेगी, इसलिए उनका क्री मतलब आकर्षण करना है, स्ना मतलब आनंद देना। भगवान का नाम लेने से क्या होगा, तुम्हारी भटकते हुए मन भटकेगा नहीं, जो अशांत मन है वो शांत हो जाएगा। इसलिए कृष्णा बोले, राम मतलब क्या बोले, जीवन में जो आराम मिले, हम जीवन में यही तो चाहते ना, दुख दूर हो, मन को शांति मिले, जीवन में आराम मिले, यही तो चाहते ना, और क्या चाहते, और तो कुछ नहीं चाहते। इसलिए प्रभु का नाम से ये 3 चीजें आपको मिलेगी। इसलिए सबके सब आंख बंद कर बैठ जाओ और मेरे साथ में जप करो। ऐसे नहीं जिसको माला मिला तो अच्छी बात है, जिसको नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ में जप करो। और जो प्रभु का नाम लेगा उसको तो पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, जो करेगा नहीं। इसलिए ऐसे नहीं माला नहीं है,
मैं नहीं करूंगी, इसलिए मेरे साथ साथ में करो, ठीक है। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक मत सर करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब माला वापस दे देना, कोई लेना नहीं, बाद में जिसकी इच्छा होगी हम बाद में देंगे। रोज रोज कोशिश करेंगे एक माला जप करने के लिए। प्रभु जी एक भजन गाएंगे, सबके सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के भजन का आनंद लो और आरती प्रसाद लेकर सबके सब जाना। Yeah.
उनके लिए एक मौका और मिलेगा, एक भजन और गाओ ना। नचिलाने दे मैं नो नचिलाने दे